तो हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नई मेट्रो अपडेट में। आज की अपडेट होने वाली है दोस्तों जगरगटी मेट्रो स्टेशन से लेकर के नवीन मार्केट परेड मेट्रो स्टेशन तक की, जो कि नवीन मार्केट मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ग्राउंड पे क्या काम चल रहा है। तो दोस्तों इस वक्त हम हैं जगरगटी मेट्रो स्टेशन के अंदर और हम आपको वो निर्माण दिखा रहे हैं जो जगरगटी मेट्रो स्टेशन के अंदर हो रहा है। तो देखने में कुछ इस तरीके का निर्माण लग रहा है, कुछ इस तरीके का काम वहां पर अभी हो चुका है। सामने से आपको एग्जैक्ट गेट दिया जाएगा और अंदर ये निर्माण की स्थिति इस समय है। ये यहाँ पर सीमेंट गोदाम बना हुआ है, यहीं से सीमेंट सप्लाई होती है और अंदर आप ये देख रहे हो, जैसे आप जगरगटी मेट्रो स्टेशन के अंदर एंट्री लेते हैं वैसे ही आपको ये व्यू दिखाई देगा। ये नीचे अंडरग्राउंड का आपको दिखाई देगा, ये सामने का व्यू आपको दिखाई देगा। यहाँ पर पानी भरा हुआ है, नीचे स्लेब जो है उसकी ढलाई का काम हुआ है, तो यहाँ पर ऊपर उन्होंने पानी भर रखा है ताकि इससे थोड़ी सी मजबूती आती है और मजबूती आए। नीचे अंडरग्राउंड सेक्शन पे दोस्तों अभी काम चल रहा है, जिसकी वजह से नीचे अंडरग्राउंड जाने की अनुमति किसी को नहीं है, इसलिए हम नीचे अंडरग्राउंड आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। ऊपर ऊपर का वर्क हमने आपको दिखा दिया है स्टेशन के। तो अब ये बाहर का व्यू है, स्टेशन बाहर से देखने में कुछ इस तरीके का लगता है। अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, वर्क चल रहा है। तो अब दोस्तों हम आपको ले चलते हैं घंटाघर मेट्रो स्टेशन की तरफ और वहां का वर्क आपको दिखाते हैं। हालांकि अभी हमने 4 दिन पहले ही उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो में हम आपको थोड़ा सा वर्क ऊपर ऊपर दिखा देते हैं कि घंटाघर मेट्रो स्टेशन में क्या वर्क चल रहा है। तो चलिए घंटाघर मेट्रो स्टेशन का वर्क देखते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये घंटाघर में ही सेंट्रल पे, कानपुर सेंट्रल में ये वर्क चल रहा है मेट्रो का, जो कि टाट मिल वाले पुल से भी हमको दिखाई दे जाता है अच्छे सर। ये जो आप वर्क देख रहे हो, ये जो आप व्यू देख रहे हो, ये घंटाघर मेट्रो स्टेशन का है। यहाँ पर भी काफी तेजी से वर्क चल रहा है। अब दोस्तों हम चलते हैं माल लोड और वहां का काम देखते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम हैं माल लोड नरौना चौराहा में, यानी कि माल लोड के नया गंज स्टेशन के पास जो मेट्रो स्टेशन बना हुआ है, यहाँ पर भी वर्क दिखा सकते हैं आपको क्या चल रहा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों मशीनें लगी हुई हैं, काम अपना कर रही हैं, अभी भी काम चालू है। आपको एक झलक जो है हम आपको दिखाते हैं नया गंज मेट्रो स्टेशन की, उसमें भी अंडरग्राउंड वर्क चल रहा है। जैसा कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं अपने वीडियो में कि नया गंज तक ट्रैक बिछाने का काम पहले ही पूरा हो चुका है। ट्रैक निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद अब सेंट्रल स्टेशन के लिए ट्रैक निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। पटरियां व पटरियों में वेल्डिंग के बाद 1250 मीटर ट्रैक की ढलाई शुरू हुई है। भूमिगत सुरंग में ट्रैक निर्माण के लिए मेट्रो ने सेंट्रल स्टेशन के पास कटआउट से पटरियां और उनकी वेल्डिंग करने के लिए प्लांट को नीचे उतारा गया था। इसके बाद स्लैब की ढलाई का काम शुरू हो गया था। बाकी दोस्तों यहाँ पर कोई खास चेंजमेंट हमें नहीं दिखाई देता है, बाकी सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। बाकी थोड़ा बहुत अंतर के साथ यहाँ पर काम चल रहा है ऊपरी सतह पर, क्योंकि यहाँ जो भी मेन काम हो रहा है वो अंडरग्राउंड हो रहा है और बहुत सा काम यहाँ पर अंडरग्राउंड हो चुका है। अब दोस्तों हम चलते हैं फुलबाग की तरफ, लेकिन एक छोटी सी और जानकारी है जिसको हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। कानपुर मेट्रो का दूसरा रिसीविंग सब स्टेशन फुलबाग में बनकर तैयार हो रहा है। मेट्रो स्टेशन के विद्युत उपकरणों एवं ट्रेनों के परिचालन के लिए यहीं से बिजली की आपूर्ति की सप्लाई होगी, जो कि फूलबाग में बना हुआ है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं बड़ा चौराहा यानी कि ICICI बिल्डिंग के सामने, आपको ये काम वहां पर देखने को मिल जाता है। ऊपर का काम अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रोड का काम अभी यहाँ चल रहा है जैसा कि आप देख सकते हो, यही व्यू आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो अंडरग्राउंड वर्क हो रहा है वो यहाँ का मेन वर्क है, क्योंकि यहाँ से मेट्रो अंडरग्राउंड जानी है, इसलिए यहाँ पर अंडरग्राउंड आपको वर्क देखने को मिलेगा। ऊपरी सतह में जो भी वर्क दिख रहा है वो आपके सामने है, कोई खास वर्क यहाँ पर और कोई खास चेंजमेंट यहाँ पर ऊपर नहीं भी देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम इन बैरिकेडिंग्स के अंदर बड़ा चौराहा में आपको दिखाएं तो अंदर कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने को मिलता है। मशीनें लगी हुई हैं पर यहाँ पर कोई भी उस तरीके का काम या हलचल उस तरीके की नहीं दिखाई दे रही है, जिससे ये लगे कि हाँ इस साइड काम हो रहा है। लेकिन जब हम दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पर हमको काम दिखाई देता है, कुछ सामान है वो यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियों से जा रहा है,
कुछ सामान है जो आया हुआ है, बाकी इधर ये मोरंग सीमेंट पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर कुछ काम हमको देखने को मिल जाता है कि कोई ना कोई काम यहाँ पर चल रहा है। हालांकि यहाँ का मेनली काम जो है वो अंडरग्राउंड है और अंडरग्राउंड चल रहा है। अब हम आपको ले चलते हैं उस साइड जिस साइड जो है बड़ा चौराहा का मेट्रो स्टेशन बना हुआ है, और ये देखते हैं कि मेट्रो स्टेशन पर वहां पर क्या वर्क चल रहा है और कितना काम वहां हो गया है। तो दोस्तों जब हम जेड स्क्वायर मॉल के सामने आते हैं तो वहां पर उसके गेट के ठीक सामने ये हमको वर्क देखने को मिल जाता है जो कि जेड स्क्वायर मॉल के ठीक सामने चल रहा है, वो इस तरीके का कुछ वर्क चल रहा है। ये आपको देखने को मिल जाता है बड़ा चौराहा का मेट्रो स्टेशन, कुछ इस तरीके का है ये बड़ा चौराहा का मेट्रो स्टेशन। आप देख सकते हो ये व्यू जो आप देख रहे हो ये बड़ा चौराहा मेट्रो स्टेशन का है। यहाँ पर भी अंडरग्राउंड वर्क चल रहा है, ऊपर ये बिल्डिंग बनाकर बिल्कुल लगभग लगभग तैयार हो चुकी है। वो साइड में जहाँ आप देख रहे हैं हरा कपड़ा लगा हुआ है, वो लिफ्ट के लिए लगा हुआ है दोस्तों। ये लिफ्ट बनाई जा रही है, इस हरे कपड़े की मैं बात कर रहा हूँ, ये लिफ्ट बनाई जा रही है जो ऊपर तक आपको ले जाएगी। बाकी ये कुछ इस तरीके का व्यू है, कुछ इस तरीके का काम यहाँ पर चल रहा है। ये सामने आप देख सकते हो जेड स्क्वायर मॉल है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज़ आपसे और कहना चाहेंगे कि यहाँ तक की अगर मेहनत आपको हमारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों आजकल आप लोग हमारे वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो में उस हिसाब के लाइक नहीं आ रहे हैं जैसे आने चाहिए, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो चलिए हम अपने अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं नवीन मार्केट, आप देख सकते हो कल्याण जी बेकरी के सामने जो है इस तरह का वर्क आपको दिखाई देता है। बैरिकेडिंग थोड़े से छोटे हो गए हैं, अंदर ये मशीनें खड़ी हुई हैं, ये अपना काम अंदर कर रही हैं। हालांकि यहाँ पर अब खुदाई वगैरह का कोई भी काम नहीं हो रहा है क्योंकि नीचे अंडरग्राउंड सेक्शन में टनल बन करके तैयार हो गया है और यहाँ से ट्रायल भी हो चुका है, जैसा कि हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं और दिखा चुके हैं। दोस्तों अब हमको सामने दिखाई देता है परेड में बना हुआ ये शिक्षक पार्क, यहाँ पर भी मेट्रो का वर्क चल रहा है और इसके सामने भी नवीन मार्केट मेट्रो स्टेशन है उस पर भी वर्क चल रहा है। यहाँ पर दोस्तों जब हमने पता किया क्या बन रहा है तो हमें पता चला यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट गेट बनाया जा रहा है जो कि अभी बन करके तैयार नहीं हुआ, उसका काम चल रहा है। ये जो बन रहा है यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट गेट बनाया जा रहा है ऐसा हमें पता लगा है, और यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट गेट है। और जब हम सामने देखते हैं तो हमको मिल जाता है नवीन मार्केट का मेट्रो स्टेशन का काम, वो सामने चल रहा है। तो उसको भी हम नज़दीक से आपको दिखा देते हैं कि वहाँ का काम जो है कहाँ तक पहुँचा है और सामने से व्यू देखने में किस तरीके का लग रहा है। तो आप देख सकते हैं ये है नवीन मार्केट मेट्रो स्टेशन जिसका सामने एग्जिट गेट था और ये है मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ इसका काम चल रहा है। तो स्टेशन का काम जो है हमको यहाँ पर लगभग लगभग नीचे पूरा नज़र आता है, साइड में भी और काम चल रहा है, तो यहाँ पर काफी हद तक काम हो चुका है। तो दोस्तों ये है बैक साइड स्टेशन का, आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहीं तक का था आज का हमारा सफर झकरकटी मेट्रो स्टेशन से लेकर नवीन मार्केट मेट्रो स्टेशन तक का। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैंने आपसे कहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हमसे जुड़िए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।